स्वागत है आपका। इसके पिछले वीडियो में हमने 170 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किया है। अगर वो वीडियो आपने मिस किया तो प्लेलिस्ट में जाएं और उसको आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 171, 100वां ग्रैंड प्री जीतने वाले पहले फॉर्मूला वन ड्राइवर बने कौन? लुइस हैमिल्टन। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 172 की। विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग में नीरज चोपड़ा किस नंबर पर हैं? तो इसका सही जवाब होगा दूसरे नंबर पर हैं। और 130वां डूरंड कप का आयोजन कहां पर किया गया? तो कोलकाता 2021 में 130वां डूरंड कप का आयोजन किया गया। अब बात कर ले रहे हैं प्रश्न नंबर 174 की। दुनिया का तीसरा सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है? तो वो है डूरंड कप। और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा डूरंड कप। और प्रश्न नंबर 176 की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का समापन कब हुआ? तो 8 अगस्त 2021 को इसका समापन हुआ। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में जापान की 13 वर्षीय स्केटर निशिया सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता बनी। और बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो टोक्यो ओलंपिक में शामिल किए गए 4 नए खेल, वो कौन कौन से खेल हैं जो टोक्यो ओलंपिक में 4 नए खेल शामिल किए गए? पहला था स्केट बोर्डिंग, दूसरा कराटे, तीसरा सर्फिंग और चौथा स्पोर्ट क्लाइंबिंग। ये 4 नए खेल थे जो टोक्यो ओलंपिक में शामिल किए गए। नेक्स्ट पॉइंट है 20 जुलाई 2021 को ओलंपिक के आदर्श वाक्य को फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर से बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो अब कर दिया गया फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर और लास्ट में क्या जोड़ दिया गया? टुगेदर में अपडेट किया गया है। यह अपडेट कोविड-19 महामारी के समय दुनिया भर में एकजुटता दिखाने के लिए किया गया है। अब बात कर ले रहे हैं प्रश्न नंबर 180 की। सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय गोल के मामले में लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया है और 74 गोल के साथ दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण 26 फरवरी 2021 को जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में संपन्न हुआ था। अब बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 181 की। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 24 फरवरी 2021 को गुजरात के मोटेरा में दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का उद्घाटन किया। वहीं बात करें 6 फरवरी 2021 को भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दौरान इंग्लैंड के कप्तान जो रूट अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने। वहीं बात करें प्रश्न नंबर 184 की तो कप्तान विराट कोहली को आईसीसी ने दशक का सबसे बेहतरीन पुरुष खिलाड़ी चुना। इसके लिए कोहली को सर गॉरफील्ड सोवर्स अवार्ड दिया गया। प्रश्न नंबर 185, फिट इंडिया साइक्लोथान का दूसरा संस्करण खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने लॉन्च किया।